नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। जहां पूरा देश क्रिसमस की खुशी मनाता दिखाई दे रहा है, वहीं कृषि कानूनों के जरिए केंद्र सरकार किसानों की खुशी छीन चुकी है। उस खुशी को वापस पाने के लिए किसान केंद्र सरकार के इन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन चलाते दिखाई दे रहे हैं। उसी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए आज पूरे पंजाब से किसानों के जत्थे ट्रैक्टर ट्रॉलियां पर सवार होकर दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिसके चलते बटाला के नजदीकी कस्बा उधनवाल से किसान मजदूर संघर्ष के बैनर तले 50 ट्रैक्टर ट्रॉलियों और गाड़ियों में सवार होकर किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ। क्या नौजवान और क्या बुजुर्ग, भारी ठंड के बावजूद भी सभी के हौसले बुलंद दिखाई दिए। उनका कहना था कि ठंड हमारे हौसले नहीं तोड़ सकती, केंद्र सरकार जब तक कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक ये आंदोलन जारी रहेंगे। वहीं उनका कहना था कि जत्थे में 6 महीने का राशन और मेडिकल की इंतजाम साथ लेकर जा रहे हैं। यह संघर्ष चाहे सालों साल चले, कृषि कानून वापस करवाकर ही वापस आएंगे। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने वाले चालक किसानों का कहना था कि ठंड हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती, हम दिल्ली जाकर मोदी को दिखाएंगे कि आ गए पंजाब वाले, अब कृषि कानून वापस लेंगे तभी वापस जाएंगे। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंदल की रिपोर्ट। आज जरा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा लाया मोदी के खिलाफ, चले जी मोदी के सिर से बहन चले मोदी ने दसा गए पंजाब तो आए हैं, मोदी ने नेरिया लिया जाके सरकारी गल दी है। देखो जी, असि अपने जोन तो अज 50 तो वध ट्रालियां जत्था लेके जा रहे हैं, जिसे गड्डिया भी है, बसा भी है, एक वड्डा काफिला जी। और ज्यों ज्यों काफिला इथों उधनवाल तो रवाना अगे नूं वधदा जाऊगा श्री हरगोबिंदपुर टांडे तक, इहदी गिनती 250 तों 300 के करीब हो जाऊगी। तो जलंधर जाके ये साडा जो तरन तारण तो बीबिया के जत्थे आ रहे हैं, दो जत्थे साढ़े पहला ऑलरेडी कुंडली चौंक के बैठे आ जाके, दूसरा जत्था 10 गया ही, तीजा 25 जा रहा जी। साडा जो अनुमान आ साडा 500 तों 700 ट्राली का अनुमान आ जत्थे का जी, ये और एक वड्डी गिनती दे विच हजूम आ जिहड़ा साडा, जो जो काफिला वधदा जाऊगा। असी अजे बहुत लोगों नूं रोक के रखिया क्योंकि असी एक लंबी लड़ाई लैके तुरे हाँ, ये साडा तीसरा वा चौथा जत्था 10 तरीक नूं जाऊगा। उस तो बाद असी एक लंबे संघर्ष लई बैठे हाँ, जद तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं होंगे, केंद्र सरकार ये सोचने लई मजबूर नहीं होंगी भी जिहड़ी स्टेट आ उहदा कोई फैडरल सिस्टम आ, कोई ढांचा वा, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਡਬਲ ਤਰਪਾਲਾਂ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਭੁਜੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਲ ਦਾ ਡੋਡੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਟਾ ਭੱਠੀਆਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕੰਬਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਨਾ ਆਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਸੋਧ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।